गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मूनराइज रिसोर्ट से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो है वो इस अयोध्या पहाड़ में सेकेंड डे है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुबह के अभी लगभग 10 बज चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो मूनराइज रेस्टोरेंट में हो चुका है। तो अभी हम निकलने वाले हैं। टोटल जो हमारे अयोध्या पहाड़ के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अपर डैम, लोअर डैम, बरेरिया फॉल्स, जितने भी वहाँ पर हमारे जो स्पॉट्स है वो आपको एक करके आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आज हमारा जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पुरुलिया जो शहर है वो हमारे पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पश्चिम क्षेत्र में ये लोकेटेड है। इसका जो बॉर्डर है, नेबरिंग बॉर्डर है, वो है झारखंड। यहाँ से झारखंड का बॉर्डर है, बिल्कुल ही पास में ही है। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हमारा एक रास्ता जमशेदपुर की तरफ जाता है और दूसरा चला जाता है रांची। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पर कलकत्ता से हमारे यहाँ पर इस अयोध्या पहाड़ में आना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है ट्रेन। तो हावड़ा से जो पहली जो ट्रेन जो खुलती है, जो सबसे बेस्ट ट्रेन जो इसे कहा जाता है, वो हावड़ा से रात को 12:05 में खुलती है। और यहाँ के जो सबसे नियरेस्ट जो स्टेशन है वो बड़ा भूम में आती है सुबह 7 बजे। और इस गाड़ी में सभी तरह के यहाँ पर कोचेज हैं, एसी है, नॉन एसी है, 2A 3A। और ये बहुत ही अच्छी ट्रेन है, जो कि आपको बड़ाभूम यहाँ से जो अयोध्या पहाड़ के जो मून रिजॉर्ट से लगभग ये 15 किलोमीटर है। तो जैसे कि यहाँ के मैनेजर ने बताया कि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो उनकी गाड़ी भी आपको वहाँ से पिकअप करके यहाँ पर ले आ जाएगी। और जो लोग जमशेदपुर से आना चाहते हैं, तो जमशेदपुर से हमारा जो अयोध्या पहाड़ का जो मून राइज रिजॉर्ट है वो बिल्कुल पास में ही है। तो वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 73 किलोमीटर, जो लगभग 1.5 घंटे में आप कवर कर सकते हैं वाया चैंडल होते हुए। और जो लोग हमारे यहाँ रांची से आना चाहते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल डिस्टेंस रांची से यहाँ का जो मूनराइज रिजॉर्ट का है वो लगभग 103 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग समय 3 घंटे के आसपास लगता है। उनके पास 2 ऑप्शन है, एक रास्ता बुंडू होके और दूसरा रास्ता जो है मुड़ी होकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ जो आने का जो समय है, जो पीक सीजन जिसे कहते हैं, वो है मार्च। अभी का जो मौसम है, तो यहाँ इसलिए लोग मार्च में आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जंगल सारे हैं वो लाल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो पलाश के जो फूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ के जो पलाश के जो जंगल हैं वो देखने के ही बनते हैं, वो एक अद्भुत और एक ब्यूटीफुल नज़ारा बनाते हैं। तो अगर आप भी आते हैं तो मार्च महीने में ये बहुत ही अच्छा मौसम रहेगा, क्योंकि कल हम जब आए तो थोड़ी धूप खुली हुई थी, लेकिन रात शाम के समय में काफ़ी बारिश होती रही और रात भर बारिश होती रही। और अभी भी देख रहे हैं आप, जो वेदर है वो काफ़ी क्लाउडी है। अभी फिलहाल थोड़ी सी यहाँ पर बारिश रुकी है। तो चलिए, हमारा नाश्ता हो चुका है, तो चलिए हम निकलते हैं। जो भी जितने भी यहाँ पर जो अपर डैम और ऊपर अयोध्या पहाड़ के जो हमारे जो स्पॉट्स है उसको कवर करेंगे। के बाद एक हम स्पॉट्स पर जाएंगे और आपको डिटेल्स में उनके बारे में आपको वहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम निकलते हैं उस स्पॉट्स के लिए। तो वीडियो बड़ा बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए। चलिए हम निकल पड़ते हैं अयोध्या पहाड़ के टूर पर। तो चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा जो वो है बामनी फॉल, जहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। और हम ये देख रहे हैं टैक्सी स्टैंड में हमने अपनी कार को यहाँ पर पार्क कर दिया है। और चलिए हम चलते हैं हम बामनी फॉल्स की तरफ, तो आपको यहाँ के बारे में बताएंगे। तो चलिए, ये एक्चुअली यहाँ पर देखिए, ये मेन रोड पर ये लोकेटेड है। और आपको मैं ये बोर्ड दिखा देता हूँ, वेलकम टू बामनी फॉल्स। तो चलिए हम चलते हैं नीचे, कितनी सीढ़ियाँ आई है हमें नहीं मालूम, और नीचे जाके हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताएँगे। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियाँ से इसी तरह से आपको नीचे जाना होगा। और नीचे कितनी सीढ़ियाँ हैं हमें नहीं मालूम, ये तो वहाँ जाकर हम एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल एक झरने की आवाज़ आ रही है, तो शायद वही एक फॉल्स होगा। तो यहाँ जितने भी देखिए पहाड़ों से जो पानी या नीचे की तरफ आता है वही ये फॉल्स के स्रोत हैं। और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पानी किस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ नीचे आवाज़ करते हुए जा रहा है।
और यहाँ भी मैं आपको दिखा, जैसे पाकी पहाड़ में हमने देखा था, यहाँ भी एक देखिए पत्थर में यहाँ कार्विंग की हुई है, ये एक सील है। तो यहाँ भी पत्थर को काट के बनाया गया था। यहाँ देखिए लोकल आर्टिस्ट ये अपनी धुन में लगा हुआ है। और चलिए हम चलते थोड़ा ऊपर की ओर और आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक्चुअली ये है क्या। तो काफ़ी नीचे सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियों के हम पास में जाएंगे तो एक मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ वहाँ का, सीनिक व्यू। लगभग कहते हैं कि ये सीढ़ियाँ 750 सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे नीचे जाते हैं, उतरने में कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन जब वापस आएंगे तभी हमें पता लगेगा। आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ, इस लेक की एक व्यू है यहाँ पर। तो इसी तरह ये सीढ़ियाँ, ये कंक्रीट की ढलाई ये सीढ़ियाँ की हैं। और चलिए उसे चल, अगर कुछ देखना है तो नीचे तो उतरना पड़ेगा। सीढ़ियाँ यूँ तो कोई खास प्रॉब्लमेटिक नहीं है लेकिन आपको दम चाहिए, और जिस तरह आराम से आप उतर रहे हैं उतना दम लगा के आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो चलिए कुछ पानी के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक फॉल्स बिल्कुल पास में ही नज़र आ रहा है जिसकी आवाज़ मुझे और आपको सुनाई दे रही होगी। तो लीजिए तो छोटा बामनी फॉल्स है वो, हम यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत और एक नेचुरल ब्यूटी के अंदर में ये फॉल्स समाया हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी ऊँचाई से ये ऊपर से ये फॉल्स नीचे की तरफ आ रहा है और बिल्कुल चट्टानों के बीच से होता हुआ ये नीचे की ओर जा रहा है। तो चलिए एक व्यू आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। एक यहाँ पर लेक है जो यहाँ पानी से भरी हुई है। और चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे आपको दिखाएंगे, और सीढ़ियाँ हमें नीचे जानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ की जो सीढ़ियाँ देखिए ये तो दूसरी टाइप की सीढ़ियाँ, यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है। इन पत्थरों को तराश कर यहाँ पर किसी तरह से ये सीढ़ियाँ बना दी गई है। तो ये थोड़ा कष्टदायक है। तो यहाँ पर जो छोटा जो बामनी फॉल है वहाँ तक की सीढ़ियाँ कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा ऊबर खबर सा है। तो चलिए कोशिश करते हैं नीचे जाने की। और आप देख रहे हैं पत्थर को बैठा कर यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बना दी गई है। पता नहीं शायद कोई नीचे गया है कि नहीं गया है, या मैं ही अकेला हूँ जो नीचे जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे। डरना किस बात का, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं आप लोग के लिए दोस्तों, तो ये तो रिस्क उठाना ही बनता है ताकि मेरी वीडियो से आपको पता लगे भाई कितना कष्ट उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप घर पर बैठे मोबाइल पर ये सब देख रहे हैं तो ये तो चीज़ आपको भी पता लगनी चाहिए। तो और नीचे जाना पड़ेगा। और ये देखिए सारा रात बारिश हुई है और सुबह भी अभी बारिश का मौसम है लेकिन हल्की फुल्की धूप निकली है। तो मज़े की बात ये है कि ये स्पॉट्स को देखने के लिए हमें सुविधा हो गई है। तो जितनी जल्दी हम बारिश के आने से पहले ये सब कवर कर लें तो उतना ही अच्छा। तो लीजिए लगभग मुझे लग रहा है कि हम बिल्कुल स्पॉट पर पहुंच ही गए हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें को जिसने पैरों में कोई भी तकलीफ़ नहीं है, सीनियर लोग
इनको पैरों में घुटनों में ये प्रॉब्लम है, ये इसकी कोशिश ना करें। तो आखिर वाओ, तो लीजिए कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ हम इस वाटरफॉल के बेस पर पहुंच गए हैं। तो ये रहा, वाह, ये हाइट देख रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छा सा व्यू दिखा सकूं। और ये देखिए झरना, जो पानी झरने का जो पानी है वो नीचे वो डैम के पास चला जा रहा है। चलिए अब पारी है अप हिल जाने के, जिस तरह से हम नीचे आए हैं उसी तरह धीरे धीरे कष्ट करके हमें ऊपर जाना पड़ेगा। इन पूरों आपकी घुटनों पर पूरा अब दम लगने वाला है। चलिए दम लगाकर हिंसा, पूरा ड्रेन आउट हो गया है। बैटरी मिनिमम 2%, जो 100% बैटरी थी वो ड्रेन होकर भी 2% बैटरी हो गई है। पूरा एग्जॉस्टन हो गया, पूरा नीचे से ऊपर आए हैं दोनों फॉल से कर, तो काफ़ी कष्टदायक है। पर्टिकुलर जो बड़ा जो बामनी फॉल है उनकी सीढ़ियाँ तो बहुत ही कष्टदायक है। तो आप भी आइए, इंजॉय करिए, कोई बात नहीं, थकान तो होगी और थकान थोड़ी देर बाद ही चली जाएगी, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये दोबारा मौका मिले ना मिले इसीलिए हमने पूरा इसे कंप्लीट किया। देखिए पसीना से तर बतर हो चुके हैं, और थोड़ी देर बाद हम पानी पियेंगे और चाय पियेंगे और चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। तो ये हम पहुंच चुके एक और स्पॉट पर, इसका नाम है थुरगा फॉल्स। ये छोटा सा फॉल्स है, तो यहाँ पर कोई खास भीड़ नहीं है जितनी हमने बामनी फॉल्स में देखी थी। चलिए फिर भी ये थोड़ा सा फॉल्स है उसको हम देखते हैं किधर से जाने का रास्ता है, किधर से रास्ता है। ओ मैं सब गलत रास्ते में आ गया, उधर में रास्ता उधर से है। तो ये एक यहाँ पर छोटी सी दुकान है, चाय पानी नाश्ते के लिए यहाँ पर दुकान है, और ये जाने का रास्ता इधर से है। तो मैं देख के नीचे आता हूँ, और चलिए आप लोग के लिए ये कष्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि यूट्यूबर हूँ, तो आपके लिए थोड़ा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ रास्ता देखिए बहुत ही ये छोटे छोटे पत्थर यहाँ लगा दिए गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ चलिए नीचे जाने की। आपके लिए तो कष्ट करना ही पड़ता है, बनता है भाई, अयोध्या पहाड़ हैं। और ये सब फॉल्स अगर नहीं एक्सप्लोर किए तो क्या किए। तो खैर चलिए तब तक मैं कैमरा को बंद करता हूँ और फिर आपको नीचे जाकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये पत्थर की स्थिति यहाँ पर इस सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता अगर आप सेफ्टी से यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से आ पाएंगे, तो जिस तरह के यहाँ पर पत्थर है और ये नीचे उतरना पड़ रहा है। तो चलिए मैं और जी ज़्यादा नीचे नहीं जाता हूँ, बस यहीं से आपको ये व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ लड़के यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये हमारा थुरगा फॉल्स है, और ये भी नेचुरल वाटर है,
पहाड़ों से पानी नीचे बहता हुआ और ये नदी की तरफ जा रहा है। तो मैक्सिमम देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो फॉल्स हैं, ये फॉल्स के जो आउटफ्लो है, ये दो नदियों में मैक्सिमम इनका फ्लो है। जो वेस्ट साइड में है वो सुवर्णरेखा की तरफ में है, और जो साउथ साइड की तरफ में है वो है आपके कंसपति नदी। तो मैक्सिमम ये जो जितने भी फॉल्स हैं, इनका जो फ्लो है, ये दो नदियों के तरफ में है। तो चलिए वापस चलता हूँ, और इसके बाद हम चलते हैं मार्बल लेक। तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, आप नीचे से भी देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये स्टेयर्स कह लें या पत्थर कह लें या स्टेपिंग स्टोन कह लें। तो चलिए सुगा फॉल्स का जो हमारा विजिट है वो पूरा हुआ, और दम लगा के हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा।